मैंने तरह की थोड़ी सी कामयाबी मैंने हासिल की और रोटी रोजी। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे हमेशा जो है, मैंने कभी कभी मैं एक डायलॉग लिखा था अमिताभ की, को कहते हैं आपने कभी इतनी आंखें देखी हैं कि कहती हैं क्या हाथ बात है मेरी आंखों, एक रिश्ता कायम कर देती है। अब उसके बाद एक दूसरी फिल्म आई, उसमें हीरोइन कोई दूसरी थी और उसकी आंखें ब्लू थी, तो मुझे जब चोपड़ा ने कहा इसकी आंखों पे भी कुछ लिखो, तो ब्लू शांति थी, तो मैंने उसमें लिखा कि तुम्हारी आंखों में आसमान झांकता है, तो वो भी दौर खत्म हो गया। अब मेरे जहन में टेंशन पैदा हो कि तीसरी औरत आएगी उसकी आंखों पर मैं क्या लिखूँगा, तो मैंने कहा जगह बड़ी खतरनाक है, यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे। तो तब मेरा जो रिजू था अपनी फिल्म बनाने में दिलचस्पी बढ़ी और मैंने बाजार मेरी बात फिर से कोई अधूरी रह गई है कि ये जो एक वजह थी कि कुछ लोग आपको मुस्लिम समझते थे सागर सरली, और वो आपसे उर्दू में बात करते थे कि आदाब और तकल्लुफ और शुक्रिया, इस तरह के उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते थे, तो किस तरह से आपने उनके भ्रम तोड़े कि मैं असल में सागर साहब हिंदू हैं और उर्दू जबान में लिखते पढ़ते बोलते भी हैं, लेकिन ये जो इनकी पहचान बनी कि किस तरह से ये पाकिस्तान से यहाँ कोई गंगा सागर तलवार, इन्होंने अपना आधा नाम यानी गंगा सरहद के उस पार छोड़ा, सागर को अपने साथ लाए, और चूंकि ये सरहद पार आए इन्होंने अपने नाम के साथ अखलुस जोड़ा, सरनेम जोड़ा सागर सरहद। लेकिन लोगों में गलत फहमी थी कि ये सागर सरहदी यानी मुसलमान, इसका भ्रम आपने कैसे तोड़ा है? मेरा नाम गंगा सागर तलवार था, बच्चा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो सागर सागर मुझे कहते थे। इत्तेफाक से हमारे गांव में एक और फैमिली थी जिसमें जिसका नाम गंगा सागर था, गंगा सागर सेठी, तो वो जब मैंने अपना नाम सागर रखा तो फैमिली वाले बड़े गुस्से में हुए कि हमारे बेटे का नाम गंगा सागर है और तुम नकल कर रहे हो, तो बहुत नाखुश थे वो मुझसे। और फिर उन दिनों में ये जिया सरहदी बहुत पॉपुलर थी जिनकी मैं फिल्में देखता था, तो गंगा सागर ना करके मैंने सागर वहाँ से ले लिया और सरहदी जिया सरहदी से लिख के अपना नाम सागर सरहदी रख दिया। मैंने कहीं से जान छूटे कि अपना नाम जो है वो सरहद में, चूँकि मैं पैदा हुआ था सूबा सरहद में पैदा हुआ तो वो शूट भी करता था, तो इस तरह का मेरा नाम जो है बाद में पॉपुलर भी हो गया और सागर सरहदी से जानना लगा।